हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? चलिए आज हम बनाते हैं एकदम मज़ेदार सी रेसिपी, लौकी की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक लौकी। ये लौकी वज़न से 712 ग्राम का है। तो पहले हम लौकी को साफ़ करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे साफ़ किया जाता है। तो आपको ऐसे दोनों भागों को ऐसे काटना होगा। बस काट लिया, अभी आपको इसे आधे में काटना होगा, बस ऐसे। अब आपको ऐसे चाकू की सहायता से इस लौकी की त्वचा ऐसे सावधानी से हटाना होगा, बस ऐसे। तो ऐसे ही त्वचा हटा दीजिएगा। और बस हम अब लौकी को काटेंगे, तो बस ऐसे आधे में काट लीजिएगा। और बस हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इस लौकी को काटना है, ज़्यादा छोटा नहीं, बस इतना। काटने के बाद इसे मैं एक बोल में, यानी कि एक बर्तन में, पानी वाले बर्तन में डाल दूंगी और इसे धोकर इस लौकी के टुकड़े को हटा के रख दूंगी। तो चलिए अब हम इसकी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने बड़ी कढ़ाई ली हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच तेल। तेल गरम होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच राई, यानी कि सरसों। तो ये गरम होते ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 4 हरी मिर्च कटी हुई, 1 लकड़ी कड़ी पत्ते की, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है सब्जी में। अब इसमें मैं डालूँ 1 मध्यम आकार का प्याज कटा हुआ। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे, तो तब तक मिलाना है जब तक हमारा प्याज सुनहरा ना हो जाए। बस ऐसे मिलाते रहिएगा। और इस तलने की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। तो इस नमक से क्या होता है, प्याज की तलने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। तो बस ऐसे मिलाते रहिएगा। बस ऐसे मिलाते रहिएगा और हमारा प्याज अब काफ़ी सुनहरा हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो ज़्यादा मसाले कुछ मत डालिएगा, बस कम सामान से हमें मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाने वाले हैं। अब इसे अच्छे से मिलाइएगा। मिलाने के बाद इसमें मैं ये कटी हुई लौकी के टुकड़े डाल दूंगी। तो लौकी काफ़ी हेल्दी होता है और इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत स्वादिष्ट होता है। अब इसे अच्छे से मिलाइएगा। मिलाने के बाद इसे हम ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो धीमी आंच से पकाने से क्या होता है, सब्जियों में जो गुणवत्ता होती है वो सब सब्जियों में रहती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। तो 5 मिनट हो चुका है, अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे वापस ढककर धीमी आंच में 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इससे हमारा लौकी जो है वो पूरी तरह से पक जाएगा। तो बस बंद कीजिए और धीमी आंच में 10 मिनट के लिए पकाइए। तो 10 मिनट हो चुका है, हमारी लौकी की सब्जी तैयार है। अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी और आंच बंद कर दूंगी और गर्मा गर्म इसे रोटी के साथ सर्व कीजिए। तो ज़रूर बनाइए ये लौकी की सब्जी और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।